हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन क्या करते हैं, सेकंड केस पढ़ते हैं उसका कि एक पटल है PQRS और उसका द्रव्यमान m है और उसकी लंबाई 2a और 2b है। ये पटल दिया हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो की तरह ही है, उसमें से उसका लंबवत अक्ष के प्रति निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये वही डायग्राम है इससे पहले वाले वीडियो की तरह ही, एक पट्टी निकाल लेते हैं xd पर और 2a2 को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं और इसके लंबवत है उसको y अक्ष मान लेते हैं। तो x अक्ष के प्रति जो द्रव्यमान होता है mi, उसको अपन कैपिटल A से लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बताया था वो 1/3 mv² होता है, ये भी निकाला है। और y अक्ष के प्रति निकालना हो तो ये दूरी पर होगा तो 1/3 ma² होता है। अब हमें क्या इसके लंबवत निकालना है, तो ox और y के लंबवत अक्ष क्या होती है, ox होती है, तो उसका तो अपन जानते हैं उसके लंबवत जो द्रव्यमान होता है उसकी इजी वैल्यू क्या होता है, a प्लस भी होता है, यानी a प्लस b यानी x अक्ष के प्रति जड़त्व गुण और y अक्ष के प्रति जड़त्व गुण, क्योंकि वो x में क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं z भी होता है, है ना, तो z भी होता है, तो जो c होता है वो z अक्ष के प्रति जड़त्व गुण, वो x अक्ष के प्रति जड़त्व गुण और y अक्ष के प्रति जड़त्व गुण है, इसका क्या होता है, सम होता है। तो c बराबर क्या होता है, a प्लस b, c का मतलब क्या, वो z के प्रति, यानी वो z क्या है, इसके लंबवत है और x अक्ष से, सॉरी वो x क्या है, इस पटल के लंबवत है और इसके केंद्र से गुजरती है, उसको अपन क्या माना, वो z माना, तो वो z है तो वो z अक्ष पे क्या होता है, z बराबर 0 होता है, तो जो जड़त्व आवेश होगा इस केस में उसी इक्वल टू a प्लस b, तो a क्या है 1/3 mv², b क्या है 1/3 ma², तो 1/3 m कॉमन ले लिया, अंदर हो गया a² + b² थैंक यू।